दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि शादी में सभी लोग सात फेरे क्यों लेते हैं हमारे हिंदू धर्म में। क्योंकि देखिए, जो फेरे लेते हैं वो तो ये एक सर्किल टाइम के ही घूमते हैं मैथ के अनुसार, और वो 360 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो आप जान यहाँ पे पढ़िए, द वनली नंबर वन फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 में आप देख लीजिए, उसमें से सभी नंबर से कटेगा 360 डिग्री, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब भी आप समझिए, 7 से नहीं कट रहा है। और वही शादी में जैसे क्या होता है, और शादी में वही आप देखिएगा कि 7 फेरे लेते हैं, इसमें से 7 से डिवाइड 360 डिग्री तो नहीं होगा। उसी तरह से ये 7 फेरे इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये पहले तो कटता नहीं है, और उसी तरह से शादी 7 फेरे लेने के बाद दोनों रिश्ता, ये लड़का और लड़की के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए मैथ के अनुसार 7 फेरे इसलिए लिया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।